मैं हूं वीर कुमार, आप लोगों का देसी गिटारिस्ट। और आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है आप लोगों के लिए। तो मैं सिखाऊंगा कि आप जल्दी से स्ट्रमिंग कैसे कर सकते हैं। फास्ट स्ट्रमिंग के लिए लेसन है ये, और आपके राइट हैंड पे काम किया हुआ है इस पे, ठीक है। तो स्ट्रमिंग का मैं बताऊंगा आप लोगों को, और इस लेसन में क्या सरप्राइज है आप लोगों के लिए। काफी लोगों के मैसेजेस आए मेरे पास, रिक्वेस्ट आई कि अमीन तूफानी का उन्हें चाहिए, तो इस पे भी मैं क्लियर करूंगा। और चन्ना मेरिया की स्ट्रमिंग भी चाहिए उन्हें, तो इस ही वीडियो में आप सब लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बताऊं और प्ले करके दिखाऊं, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए वीडियो है जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरा प्रत्येक वीडियो देखते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप लोगों को पता नहीं होता, सिर्फ आप टाइटल पढ़ लेते हैं और अंदर मैं कुछ ना कुछ सरप्राइज दे देता हूँ। तो जो मुझे लगातार फॉलो करते हैं, मेरे व्यूवर्स, मेरे दर्शक, मेरे दोस्त, तो आप लोगों के लिए है। तो जिनको स्ट्रमिंग नहीं आता, दिक्कत आ रहा है, अच्छा चलता हूँ चन्ना मेरिया का, तो उसका भी मैं क्लियर करूंगा। और सिंपल वाला उन्होंने मांगा है मुझसे बिना चक के, तो मैं वो बताऊंगा। और अमीन तूफानी का भी मैं इसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। चलो तो फिर, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि फास्ट स्ट्रमिंग के लिए आपको क्या जरूरत है। सबसे फास्ट स्ट्रमिंग करने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो ये आपका प्लेक्ट्रम, ये पतला होना चाहिए, थोड़ा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये पतला होगा, पतला वाला होगा, और कहते हैं मुड़ जाए, इजी हो, फ्लेक्सिबल हो थोड़ा सा, ठीक है। तो हार्ड ना हो ये, तो इजी होता है प्ले करने स्ट्रमिंग के लिए। और दूसरा, आपको आना चाहिए कोर्ड्स जल्दी से चेंज करना, स्विच करना कोर्ड्स, तो फास्ट, तो तभी स्ट्रमिंग का इंपैक्ट अच्छा होता है। फास्ट स्ट्रमिंग का मतलब है, तो बिगनर तो नहीं कहूंगा जिनको, जिनके लिए ये लेसन है, हाँ, लेकिन इंटरमीडिएट है और काफी टाइम हो गया है सीखते हुए, 5-6 महीने हो गए हैं लगातार मेरे वीडियोस सीखते हुए और उनकी टिप्स इंप्लीमेंट करते हुए, तो उनके लिए ये वीडियो है। और बाकी तो आप देखो और एंजॉय करो, आगे आपको भी काम आएगा जो बिगनर है। तो फर्स्ट मैंने आपको दो चीजें बता दी, अब उसके बाद मैं बताता हूँ एक्सरसाइज। देखो, डाउन अप डाउन अप, सबसे सिंपल। तो मैं ए माइनर कॉर्ड ले रहा हूं, देखो चलो इसमें बार कॉर्ड में आप ए माइनर ऐसे ले सकते हो, ओपन कॉर्ड। तो मैं क्या कर रहा हूं, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो सबसे पहले सिंपल, ये हाथ ढीला छोड़ दे अपना, लाइट रखे, हल्का रखे, तो सिर्फ जाने दे, रिस्ट का यूज करे, ये एल्बो का यूज ना करे, ऐसे करके रिलैक्स होके बैठे और प्ले करे। जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा अच्छा होता जाएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका यही है कि डाउन अप डाउन अप डाउन अप करना है आपको, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, स्पीड धीरे धीरे बढ़ाओ। आप एक कोर्ड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक कोर्ड ले लिया मैंने, बार कोर्ड लिया ए माइनर, ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज है इसका ई माइनर लो, तो ठीक है। देखो, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड है और कुछ नहीं, फिर डी कोड लो, काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन रिदम में चल रहा है, एज ए स्विफ्ट में डाउन अप नहीं कर रहा, ठीक है, ये अलग है। तो इसमें क्या है, डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन, हल्का हाथ रखें। अब जो
मैं थर्ड बताने जा रहा हूँ वो वाला थोड़ा सा हाँ तो चलो उसमें थोड़ा सा तूफानी वाला फ्लेवर डाल देते हैं। काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि रिक्वेस्ट किया कि अमीन तूफानी का आप सिखाए, और तो उसमें क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो वो प्ले कर रहे हैं फिंगर स्टाइल में और रुम्बा जो स्ट्रमिंग लिया हुआ है कुछ नहीं है उसमें, आप भी प्ले कर सकते हैं, कोई भी इजीली प्ले कर सकता है उसे। सिर्फ उसमें क्या है, एक रिदम है, एक रिदम आप पकड़ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया ये सॉन्ग सीखने के लिए, तो थोड़ा सा मैं उन्हें दिखा देता हूँ, बता देता हूँ उसमें क्या है। बाकी फंडा ये है कि वो फिंगर स्टाइल पे और उंगलियों से प्ले हुआ है रुम्बा स्टाइल पे, तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा फील दे देता हूँ मैं आप लोगों को, दिखा देता हूँ उसका। आपको क्या है, आपकी प्रैक्टिस कैसे है और कैसे प्ले करते हो आप उसका है। तो प्लेक्ट्रम से सेम आवाज निकाल दिया मैंने, सोचो ठीक है। तो और मैं पूरा दिन बजा सकता हूँ, सिर्फ क्यों, क्योंकि इस पे मेरा प्रैक्टिस है और किया हुआ है। तो जब मुझे इससे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो फिर मैं फिंगर स्टाइल, एक चीज और बताता हूँ कि जैसे रुम्बा स्टाइल है, तो मैंने एक सज्जन का वीडियो देखा, अंग्रेज थे तो उनका वीडियो देखा, तो रुम्बा स्टाइल काफी इजी तरीके से प्ले करना था, ये वाला बेसिक सा है। प्ले नहीं किया था, जैसे कि जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें तो मालूम होगा कि मैं प्रैक्टिस में नहीं रहता, गिटार प्ले नहीं करता, थोड़ा बहुत आपके मोहब्बत की वजह से ही और सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं उठा लेता हूँ गिटार सिखाने के लिए और आप लोगों का मनोरंजन कहो या फिर आप लोगों से जुड़े रहने के लिए। तो सिर्फ तभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ थोड़ा बहुत और प्ले करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा सिर्फ गिटार का ही जरिया है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा अलग लाइफस्टाइल भी है, सिर्फ गिटार से रिलेटेड नहीं है। तो सिर्फ ये मैं अपने चाहने वालों के लिए, जो मेरे प्रत्येक एक एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरा चैनल, और जो भी इसके नीचे अभी भी कोई कभी भी देख रहा होगा, ऐसे बहुत से जो वीडियो देखते भी नहीं उससे पहले ही, मतलब पूरा लेसन देखते भी नहीं उससे पहले लिख देते ओसम सर नाइस लेसन फर्स्ट व्यू, तो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियोस आते हैं और आते रहेंगे। और सिर्फ अगर कोई मुझसे पूछे कि आप ये वीडियो क्यों बनाते हो, क्यों लेसन सिखाते हो गिटार का, तो सिंपल सा आंसर है, मैं अपने लिए नहीं सिखाता। सिर्फ जो ये एक भी कमेंट लिखता है और अप्रिशिएट करता है और मेरे काम को पसंद करता है, मुझे पसंद करता है, ये लेसन उसके लिए होता है और मेरे वीडियोज उनके लिए होते हैं। तो मैं जानता हूँ कि जो अमीन तूफानी के फैंस होंगे उन्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंट होंगे, मुझसे निराश होंगे, क्यों, क्योंकि मैंने फिंगर स्टाइल प्ले करके नहीं दिखाया, लेकिन मैं प्ले कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस करूँगा तो, लेकिन मुझे इससे संतुष्टि मिल जाती है तो मेरा दिल ही नहीं करता है प्रैक्टिस करने का।
तो सिर्फ मैंने ये वाला बताने का वीडियो और बनाने का मकसद यही था कि जिन्होंने भी मुझसे मांगा है वो हताश ना हो। मैं भी प्ले कर सकता हूँ, आप भी प्ले कर सकते हैं। इवन कोई भी प्रैक्टिस करे तो महीने भर के अंदर वो प्ले कर सकता है। और फिंगर स्टाइल जिसको प्ले करना है अपना अपना चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। तो काफी लोगों ने देखा नहीं होगा ना फिंगर पिकिंग करते हुए, तो आज ये लेसन बता दिया उनके लिए जो भी देखना चाहते हैं। बाकी यही है कि जैसे देखो वो अमीन तूफानी करते हैं, तो ये वाला भी फास्ट करते हैं। तो सिंपल है, फिंगर से तो लोगों को लगता है फिंगर से प्ले करना तो ज्यादा टफ है, एक स्टाइल है। और वही चीज मैं सेम इससे करूंगा, तो ज्यादा परफेक्शन आता है क्योंकि प्रैक्टिस इससे किया हुआ। फिंगर से करूंगा मैं रोज तो इससे भी अच्छा चलेगा मेरा, ठीक है। तो वही है, नॉर्मल है। देखो बिना प्लेक्ट्रम के भी कुछ लोग प्ले नहीं कर पाते। कुछ नहीं है, तो नॉर्मल है। सिर्फ प्रैक्टिस कैसे की गई है, सिर्फ वो ही है। लोगों का मिथ है ये कि जो अमीन तूफानी ने प्ले किया है बहुत कठिन है या फिर एक मास्टर लेवल है। हजारों तरीके हैं प्ले करने के, हार्ट बीट भी आ गया है। तो आजकल सभी तरीके से प्ले करें यार। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं सभी स्टाइल प्ले कर लूँगा, लेकिन हाँ मैं प्ले कर सकता हूँ, आप भी प्ले कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। सिंपल सा है, पहले गिटार सीखना शुरू करें। आपको जब, जैसे कि मैंने बताया भी ये रूम्बा स्टाइल, तो जब आपको ऑलरेडी आप बार कोड प्ले कर रहे हैं, माइनर कोड प्ले कर रहे हैं, स्विच कर लेते हैं कोड जल्दी 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 स्विच कर लेते हैं कोड्स, तो क्या हो जाता है आपके लिए कोई भी स्टाइल को पकड़ना इजी हो जाता है। तो ये एक बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है कि आप सबसे पहले तो गिटार अच्छे से प्ले करना सीखे, फिर उसके बाद आपको कोई सी भी बीट पे प्ले करना है, फिंगर स्टाइल प्ले करना है या कुछ भी प्ले करना है, आप प्ले कर सकते हैं। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो क्लासिकल गिटार पे प्ले करते हैं, तो क्लासिकल गिटार मैंने प्ले नहीं किया हुआ है, हल्का फुल्का एक दो बार प्ले किया हुआ है। और ये रूम्बा स्टाइल भी सोचो आपके लिए मैंने प्ले किया, तो सिर्फ ये भी जो मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको या ये, इसका मेरा मकसद क्या है, सिर्फ मकसद ये है मैं जब मैं प्ले कर सकता हूँ ये थोड़ी सी टाइम में प्रैक्टिस देकर, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने पहले जो भी मैं सिखाता हूँ पहले खुद पे ट्राई करता हूँ कि मुझे क्या इजी लग रहा है, क्या टफ लग रहा है, आपको कैसे मिलेगा, आपको कैसा आएगा, ठीक है। अब देख लो, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जो भी सीखना चाहता है या फिर जिसने इतना लंबा वीडियो देख लिया और इंतजार किया कि मैं अब उसे अमीन तूफानी का सिखाऊंगा, तो देख लो आप कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर आप बिगिनर हो तो ये ट्राई मत करो। क्यों? क्योंकि जब आप काफी टाइम प्रैक्टिस हो जाएगा, आपका हाथ अच्छा चलता है, तभी आप ये प्ले कर पाओगे। तो ये देख लो, तो 12th फ्रेट पे इसका ट्रिक क्या है, 12th फ्रेट पे मैंने थर्ड फिंगर रखा है, तो सिर्फ, और ये मैं क्यों रखता हूं, ये सारी म्यूट करने के लिए, इनका साउंड नहीं आता अगर दबा दूंगा तो ये मैं उठाकर रखता हूं, कुछ प्रेस नहीं करता, तो ये साउंड रोक देते हैं। देखो म्यूट है, सिर्फ ये वाला, सिर्फ नीचे की स्ट्रिंग का साउंड आता है, तो मैं सब पे भी मारूंगा ना तो सिर्फ नीचे वाली स्ट्रिंग का साउंड आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, फिर उसके बाद सिर्फ ऐसे ऐसे करके ले जाता रहता हूं। तो मैं कहां ले जाता हूं, 11, सेम वही पैटर्न रहेगा, ऊपर की म्यूट रहेंगी, नीचे की हाई स्ट्रिंग चलेगी, 11 फिर उसके बाद 8 और फिर 7, तो देख लो। तो ऊपर की वो ही है, म्यूट कर देता हूं सिर्फ एक बार प्ले कर, ये ऐसे टच करके इसका साउंड बंद कर देता हूं।
तो आप, हो सकता है मैं बिल्कुल क्लीन ना सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 बार ही ये वीडियो देखा और सुना, उसके बाद कोई ऐसा खास नहीं था सिखाने के लिए। क्लासिकल गिटार पे है, नेल्स अच्छा होगा तो आवाज काफी अच्छा आएगा हाथ से, बाकी आप प्लेक्ट्रम से भी प्ले कर सकते हैं। तो देख लो, डाउन डाउन अप, अप डाउन, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, सिर्फ ये है स्ट्रमिंग। डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, सिर्फ ये है। फिर उसके बाद जो ये मैं फिंगर ऐड करता हूं, तो ये ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर और ई मेजर, ये कोड है। तो ए माइनर पर फिर करके मैं क्या करता हूं, टिंग टिंग, तो डाउन डाउन अप, अप डाउन अप। उसके बाद जो इस पे आता है तो डाउन डाउन अप, तो देख लो, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप। तो डाउन डाउन किस पे आता है, 8 पे सिर्फ लास्ट स्ट्रिंग पे, और अप इस पे 7 पे, ऐसे ही चलता रहता है। फिर इस पे भी, और फिर इसके बाद आता है 7 5, फिर इसके बाद एफ लेते हैं, फिर क्या आता है 5 और 4, फिर ई मेजर। तो देख लो, ये बंद कर देते हैं, सिर्फ रिदम चल रहा है। आई होप आपको आ गया होगा, प्ले कर सकते हो। तो अब आप लोगों को बता देता हूं, अच्छा चलता हूं, ठीक है। तो इसमें 2 स्ट्रमिंग है, काम करेगा, आप देख लेना। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। तो क्या स्ट्रमिंग था, डाउन डाउन ना, अप डाउन ना, ये, और फिर टर्न एंड। तो आप 2 तरीके का स्ट्रमिंग यूज कर सकते हैं, डाउन डाउन ना, अप डाउन ना, डाउन डाउन ना, अप डाउन ना, और दूसरा है डाउन अप, डाउन ना, अप डाउन, डाउन अप, डाउन ना, अप डाउन। चलो तो लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही दूसरे लेसन पे। आप लोगों के लिए आगे काफी अच्छे अच्छे लेसन लाने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं, खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, सब्सक्राइब करते रहो।